हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम करने वाले हैं आपके आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग। देखेंगे आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है, ये एक जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ पार्टनर आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए होगी। सबसे पहले हम मेजर अरकाना लेंगे, मेजर अरकाना से देखेंगे, फिर हम उनके लिए लेंगे टैरो कार्ड्स। ओके, क्लियर करने के लिए हम टैरो कार्ड्स का यूज़ करेंगे। जब तक हम कार्ड शफल कर रहे हैं, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ऊपर वाला, जल्दी से आपके पार्टनर से आपका री यूनियन करवाएं। जो भी बीमार हैं उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र मिले। नेगेटिविटी थर्ड पार्टी सभी की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए, और जो सिंगल हैं उनके पार्टनर की जल्दी फटाफट से उनसे शादी हो जाए उनकी, और जिनके पार्टनर की फैमिलीज नहीं मान रही है ना, उनके पार्टनर की फैमिलीज मान जाए। और आप सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआ सभी के लिए, सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। एकदम पॉजिटिव हो जाना है। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द एम्परर का। ओके, एक मिनट। हाँ, द मून। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, टेम्परेंस। ओके, चलिए द हाई प्रिस्टेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, द लवर्स। ओके गॉड, जल्दी ही आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवाने वाले हैं, और आप दोनों बहुत जल्दी एक हो जाएंगे, बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ होंगे आप दोनों। ठीक है, चलिए द एम्परर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, द एम्परर का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जीज में। प्लीज हमें बताएं द एम्परर का कार्ड क्यों आया है। गाइड कीजिए करंट एनर्जी में, एम्परर का कार्ड क्यों आया है वो। ओके, तीन कार्ड एक साथ ही हैं, तीनों कार्ड हम लेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट। ओके, द मून का कार्ड क्यों आया है, द मून का कार्ड किसे कंट्रोलिंग एनर्जी में है, किस कंट्रोलिंग एनर्जी में है वो। स्प्रिट हमें डिवाइन गाइड कीजिए। टू ऑफ कप्स, चलिए, वाओ, क्या कहते हैं गाइस आप लोग, कंटिन्यू करें रीडिंग। बहुत प्यारे कार्ड्स आए, बहुत प्यारे। टेम्परेंस, द लवर्स, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, वाओ। ओके, स्पिरिट में बताइए द व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है, कब तक रीयूनियन होगा। ओके, कब तक बातचीत होगी, जल्दी दोनों की, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की बीच की दूरियों को हमेशा ख़त्म कर, हमेशा के लिए ख़त्म करके दोनों को हमेशा के लिए एक करवा दीजिए। जो भी ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेजेस हैं, उन सभी को दूर करके सभी को एक कर दीजिए प्लीज़। जजमेंट, वाह, देखिए हम टेम्परेंस को नहीं क्लियर करेंगे, क्योंकि इससे खूबसूरत कार्ड तो क्या ही होगा। हम देखेंगे यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस क्यों आया है, द हाई प्रिस्टेस क्यों आया है करंट एनर्जी में। प्लीज़ हमें एंजल्स बताएं द हाई प्रिस्टेस क्यों आया है। द हाई प्रिस्टेस क्यों आया है, द हाई प्रिस्टेस क्यों आया है, देखता है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स, क्लियर कीजिए।
एट ऑफ कप्स, एक कार्ड और हम लेंगे इसके लिए। सेवन ऑफ वांड्स बॉटम में है, टेन ऑफ वांड्स, आप भी बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी सेम एनर्जी से आप दोनों की, क्योंकि बॉटम की एनर्जी होती है म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, तो आप बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो तो कार्ड्स देख के समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम करते हैं स्टार्ट आपके रीडिंग। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, देखिए द एम्परर, अगर आपके पार्टनर एक्शन नहीं लेते थे आपके लिए, आपके लिए नहीं बोलते थे, ठीक है, अब आपके पार्टनर पावर में आएंगे और एक्शन लेंगे। रीजंस क्या हो सकते हैं, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ सकता था आपके पार्टनर को इस रिश्ते के लिए, तो अब आपके पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे आपके अपनी फैमिली को मनाने की, उनसे बात करने की। ओके, और अगर आपके इन लॉज थे आपके खिलाफ थे, तो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, आपकी साइड लिया करेंगे अब आपके पार्टनर, आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जानता है, आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा करेगा। द हेरोफेंट की एनर्जी है जो हमें दिखा था, अगर आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन का कोई इशू था, तो आपके पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो एक्शन तो लेंगे, साथ में आपके फैमिली से भी बात करेंगे, अपनी फैमिली में डिसीजन सुना दिया है, उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है, इस रिश्ते की तरफ है। आपको आइडिया नहीं होगा क्योंकि अभी सेपरेशन चल रहा है, कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कोई यूँ ही तो एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचता है, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन जो इशू है उसको लेकर आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली में बात कर ली है, आपके इस रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर ने फैमिली में डिसीजन सुना दिया है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान आप ही की तरफ है, इस रिश्ते की तरफ, इस रिश्ते को पूरा करना चाहते हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास द मून का था, जो साफ दिखाता है कि आपके पार्टनर किसी कंट्रोलिंग एनर्जी में थे, उससे निकल कर आपके पार्टनर आपको प्यार ऑफर करेंगे। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, जो दिखाता है आपके, आपने जितना प्यार दिया है आपके पार्टनर आपको उतना ही प्यार देंगे, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आज की रीडिंग में आप लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए हैं, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, द लवर्स, टेम्परेंस, जजमेंट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ प्यार तो देंगे ही, आपको ऑफर करेंगे सारी चीज़ें। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो मैरिड हैं जल्दी ही आपके पार्टनर आकर आपको कहेंगे कि साथ रहते हैं और आपके साथ एक हंसता खेलता परिवार बनाएंगे। टू ऑफ कप्स जो सिंगल हैं, या जो आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट देने से इनकार कर दिया था, वापस प्यार शुरू करेंगे, कमिटमेंट देंगे आपके साथ, आप शादी करना चाहते थे आपके पार्टनर से, ये ऑफ़र, ये प्यार होगा, ये कमिटमेंट होगा आपका, आपके पार्टनर का आपके साथ शादी करने का, क्योंकि वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक हंसता खेलता परिवार देखते हैं आपके साथ। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है फिलहाल आपके पार्टनर को, और आपसे आपकी बातें बहुत याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया चल रहा है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आप दोनों के बीच में दूरियाँ जो हैं अब ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी। आपके पार्टनर की विश है कि वो आपके साथ आएँ, आपके साथ शादी करें, जजमेंट हो इस रिश्ते में, वो हील हो जाएं, क्योंकि उन्होंने भी लाइफ में आपसे अलग होने के बाद शायद कुछ ना ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आप ही उनके लाइफ में आएँ। गॉड से भी प्रे कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर जो हैं गॉड से प्रे तो कर ही रहे हैं, साथ में वो ये चाहते हैं कि आपको हमेशा गॉड एक कर दें आपको और आपके पार्टनर को, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर की विश बन चुके हैं आप, इसलिए यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट दोनों चीज़ें बहुत साथ होंगे और बहुत जल्दी होंगे। जजमेंट होगा आपके पार्टनर से, आपकी शादी होगी, ये तो कार्ड बहुत खूबसूरत है। अर्धनागेश्वर, शिव पार्वती माँ, जो मैरिड हैं जल्दी ही उनके पार्टनर अगर उनसे मिलेंगे, हमेशा के लिए आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनकी शादी हो जाएगी, तो आप दोनों एक दूसरे का आधा अंग बन जाएंगे, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। द हाई प्रिस्टेस, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कोई, ये कार्ड आते मेरे डेक पे कुछ तो अलग होता है। ओके चलो हटो यहाँ से नेगेटिव एनर्जी, आपके और आपके पार्टनर के बीच जो भी नेगेटिव एनर्जीज थे ना, वो बहुत जल्दी अलग हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर की उस थर्ड पार्टी से, उस नेगेटिव एनर्जी से झगड़ा हो रहा है, उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। आपके पार्टनर उस पर्सन के साथ या उस सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपके पार्टनर अब लोगों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, आपसे एक चांस मांगना चाहते हैं, आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, ये तो बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है गाइज, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। हम देखते हैं थोड़ा एनर्जी ओरिकल देख से भी कि और क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, क्योंकि बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की, हमारे व्यूवर्स को लेकर क्या एनर्जी है, के रिश्ते को लेकर क्या एनर्जीज है। एक कार्ड मेरे पास शायद एक आया है, चलो हम इसको देख लेते हैं दूसरी डेक्स। ओ आओ द लवर्स,
आप दोनों गाइस ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी में हो, सर डेफिनेटली आप दोनों ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी में हो। किसी दूसरे डेक का कार्ड इस डेक में रहना और वो भी द लवर्स का, ये कंफर्म किया है गॉड ने, एंजल्स ने, कि आप लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी में हो। आप दोनों का रीयूनियन ऊपर वाला ज़रूर करवाएगा और आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ फोटोग्राफ्स जो क्लिक किए थे उन्होंने उसको वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। द लवर्स टेम्परेंस, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत एनर्जी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में ऊपर वाला दरवाजे खोल देगा खुशियों के, आपकी लाइफ हील हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी मैंने बोला था कि आपकी लाइफ आपके पार्टनर के साथ हील हो जाएगी, बहुत खूबसूरत और बहुत पॉजिटिव रहेगा सब कुछ। द थिंकिंग वुमेन, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो अगर ऑफिस में होते हैं, बिजनेस करते हैं वहाँ जाते हैं, या फिर घर में होते हैं तो भी आपके, स्टडी करते हैं तो भी आपके बारे में ही आपके थॉट्स उनके दिल दिमाग में। गाइज आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये रीडिंग जो भी देखेगा वो लोग अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से डील कर रहे होंगे। अब तो मुझे लेने पड़ेंगे हाथ में सारे कार्ड। यिंग एंड यांग का कार्ड आया है, यिंग एंड यांग, द लवर्स टेम्परेंस, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। ये कार्ड्स आए हैं मेरे पास काफ़ी बार, लेकिन इस तरह से कोई भी कार्ड नहीं आया। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी। आप लोग की रीयूनियन ज़रूर होगा, आप लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हैं, और ये इस जर्नी में जो होते हैं ये जर्नी आसान नहीं होती, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स होते हैं इस जर्नी में, लेकिन आप दोनों का रीयूनियन ज़रूर होगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल्स आपको इस रिश्ते में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसे लड़ने की हिम्मत देंगे और आप दोनों ज़रूर एक होंगे। जर्नी आपके, आप दोनों जर्नी पर हैं गाइस, एंजल्स बैलेंस लेकर आएंगे, आप दोनों जर्नी पर हैं गाइस, आप दोनों ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हैं गाइस। अपने आप को बिल्कुल संभाल के रखिएगा, अपने मूड को संभाल के रखिएगा, ये जर्नी डिफ़िकल्ट होती है लेकिन आप दोनों का रीयूनियन ज़रूर होगा। ठीक है, मैंने अभी 222 देखा है, ज़रूर आप दोनों एक होंगे। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने आप का बहुत ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए हम मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग मुझसे टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं वो भी मुझे मेल करके क्वेरीज ले सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।